मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का, सब्सक्राइबर जिनका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई स्पेशल डे है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। आज 3 अप्रैल और भगवान गणेश जी का बुधवार है। चंद्रमा की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कुंभ राशि में रात को 8:47 तक रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। चैत्र कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि आज सुबह 10:56 तक रहेगी और उसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग जैसे कल बने थे, कलानिधि योग और लक्ष्मी नारायण योग आज भी लाभ देंगे। और वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वाले लोगों को देवगुरु बृहस्पति के स्वग्रही घर वापसी की वजह से हंस योग का लाभ मिल रहा है। आज अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, कोई फैसला लेना है, कोई मीटिंग करनी है, तो इसके लिए अगर हम शुभ समय को अगर मद्देनजर रखते हुए करें तो उसके लाभ शुभ की तरफ बढ़ते हैं। ये काम आप सुबह 7 से 9 के बीच में कर सकते हैं। कोशिश करें कि दोपहर को 12:30 से 1:30 तक राहु काल रहता है और वहीं सुबह 10:56 से 11:54 तक भद्रा रहेगी। तो वैसे तो सुबह 7 से 9 के बीच में खरीदारी इंसान नहीं कर सकता है, पर कुछ पैसा निकाल के अलग रख दे आज मुझे खरीदारी करनी है। ग्रहों की स्थिति की आज अगर हम बात करें तो आज वृषभ राशि के मंगल, मिथुन राशि के राहु और गुरु शनि केतु तीनों धनु राशि में रहेंगे। शुक्र बुध चंद्रमा तीनों कुंभ राशि में रहेंगे और रात को मीन राशि में चले जाएंगे। चंद्रमा और सूर्य मीन राशि में ऑलरेडी है। अब बात करते हैं आज को सफल बनाने के मेरे गुरु मंत्र के बारे में। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना तुम्हारे खराब विचार। इसीलिए अपने विचारों को अच्छा बनाएं और हर पल आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं आने वाली 5 तारीख को मुंबई में रहूंगा, 6 अप्रैल को इंदौर, 7 अप्रैल को पणजी गोवा में रहूंगा और फिर 12 अप्रैल को मैं रहूंगा दिल्ली में, 13 और 14 अप्रैल को मैं रहूंगा कोलकाता में। अगर आप इन शहरों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आज का जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित रहेगा। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज जिस चीज से आपका लाभ होता है, जैसे बीमार है नींद लेने में लाभ है तो नींद लीजिए। जिस चीज में आपको खुद लगता है कि आज मेरा प्रॉफिट इस चीज में है, आज अपने 100% एनर्जी उसमें डालिए, एनर्जी भी आएगी और लाभ भी मिलेगा। कटु वाणी, जुबान, किसी और की वजह से आप अपने शब्दों में क्यों गालियां लेकर आते हो? मां सरस्वती विराजमान होती है, उसको गंदा करने की क्या जरूरत है? बिजनेस में अच्छी भली सफलता मिलते हुए दिख रही है समस्याओं के खड़े होने के बावजूद। वर्क प्लेस पर वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एम्प्लॉयज प्रयास करें कि किसी भी कार्य को ठंडे दिमाग से पूरी करने की कोशिश करें। पारिवारिक जीवन में परेशानियों को हल्का सा सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उसमें काबिलियत रखते हैं बाहर निकलने की। प्रेम संबंध में मूड आपको अच्छा करना पड़ेगा, छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। स्टूडेंट को अध्ययन में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लकी गला पिंक, नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, पिता की तकलीफ को दूर करना चाहिए, पिता से बातें करनी चाहिए, पिता से संबंधित विचार लाने चाहिए। व्यापार में आज बेवजह के कार्यों से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, यानी अपनी एनर्जी किसी गलत जगह पर वेस्ट हो सकती है। वर्क प्लेस पर दूसरों के प्रति अपने नजरिए को थोड़ा सा बदलने की जरूरत रहेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने जो सोचा है वही सही हो, इससे यह परिवर्तन न करने से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। एम्प्लॉयज सीनियर से बिना सलाह लिए किसी कार्य में कोई निर्णय न ले, यानी 2 लोगों से सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। जीवन साथी की किसी बात से आप हल्के से निराश हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में आपको आज निराशा थोड़ी सी हाथ लग सकती है, इसलिए अपने एग्रेसिव रवैये को नहीं रखना चाहिए, उसे घर के बाहर रखना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। स्टूडेंट को पढ़ने में थोड़ी सी अरुचि रहेगी, डिस्ट्रैक्शन रहेगा किसी और चीजों में। आपकी सेहत का गिरता हुआ ग्राफ आपको चिंता में डाल सकता है, इसलिए लापरवाही नहीं रखनी है। लकी कलर नेवी ब्लू, नंबर 1 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को अपने भाग्यशाली होने की बात पर विचार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आप भाग्यशाली हैं। आप अपने अच्छे दिनों को याद करें, एक लिस्ट बनाएं, आपको लगेगा यस मैं भाग्यशाली हूं। बिजनेस में आज आप बिना सोचे और समझे किसी पर भी अंधा विश्वास न करें।
वर्क प्लेस पर हो रही राजनीति और आपके खिलाफ रणनीति से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। उनको अपना काम करने दीजिए, आपका कोई बिगाड़ नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयज कार्य को लेकर थोड़े से जिम्मेदार एम्प्लॉय बन के दिखाना होगा। मामा और भतीजे के साथ किसी भी विवादास्पद बहस से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ में कुछ गलत बातों से, गलत निर्णय की वजह से थोड़ी सी घृणा की स्थिति हो सकती है। ऐसा कोई काम न करें कि आपकी जुबान खराब हो जाए। अध्ययन को लेकर स्टूडेंट के मन में इच्छा शक्ति की हल्की सी कमी आएगी। यूरिन किडनी में इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है, क्रिएटिनिन चेक करवाएं। लकी कलर गोल्डन, नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपनी यात्रा की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या वो यात्रा आज ना करनी हो, आने वाले समय में करनी हो, उस पर विचार करिए, रूपरेखा बनाइए। बिजनेस में फायदा होते हुए दिख रहा है, धन लाभ कहीं से हो लेकिन मिलेगा जरूर। जॉब में प्रमोशन मिलने से विरोधियों में जलन होगी या फिर आपकी प्रमोशन की बातें शुरू हो रही है और वहां जलन शुरू हो रही है। एम्प्लॉयज आज नए दिन की शुरुआत मजबूत इच्छा शक्ति के साथ करेंगे। आप आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल विचारधारा और दार्शनिक विचारों में रुचि लेंगे। ऐसी किताबें आपको जरूर पढ़नी चाहिए जो आपके विचारों को बेहतर बना सके। प्रेम संबंध में आज कोई लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट की प्लानिंग बन सकती है, स्पेशली डिनर। स्टूडेंट, अध्ययन से रिलेटेड किसी सेमिनार में या सेमिनार के लिए या फिर कोई विदेश में किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में हल्की सी गिरावट आ सकती है। लकी कलर ब्राउन, नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को अपने व्यापार की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी माइंड योर ओन बिजनेस। ये किसी को आपने कहा होगा या किसी से सुना होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कोई व्यापार के बारे में बात करें, अपने काम से मतलब रखना है। व्यापार में आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन मंजिल प्राप्त करने के लिए आप कड़ी मेहनत करिए, मिल जाएगी। वर्क प्लेस पर अधिकाधिक कारणों से विदेशी लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है या फिर दूसरे धर्म के या दूसरी जगह के लोगों से मुलाकात हो सकती है। एम्प्लॉयज अधिक ऊर्जावान होकर चुनौतियों का सामना करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर रिलेशनशिप में बदलने का मन आपका बन सकता है। स्टूडेंट, आज अपने अध्ययन में आने वाली किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना भी आराम से कर सकेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास आपके अंदर अच्छा रहेगा। आज आपके बिजी स्केड्यूल के बावजूद थोड़ा सा थकान और महसूस जरूर होगी, लेकिन आप आज दिन बना लेंगे अपना। लकी कलर क्रीम, नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को आज अपने कर्जों को कम करने की तरफ, खर्चों को कम करना, इनकम को बढ़ाना, इस पर विचार करिए, लाभ मिलेगा। व्यापार में रणनीति और जो आपने बनाई है उसी के अनुसार चलिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए, आज आपको लाभ मिलते हुए दिख रहा है और आपके धन में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर आत्मविश्वास और मेहनत, ये दोनों एक पिलर हैं जो आपके करियर को नए मुकाम तक पहुंचाएंगे, इन पिलर को डिगने मत दीजिएगा। एम्प्लॉयज के लिए आज का दिन बेटर जाएगा, लेकिन उसे मोर बेटर बनाने के लिए आपको मोर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप अपने पूरे दिन अपने आप को बिल्कुल भी आत्मविश्वास से कमजोर न रखें, चुनौतियों का सामना करें, सक्षम हैं आप उसके अंदर। मेहनत के अनुसार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिलते हुए स्टूडेंट का दिख रहा है। लव लाइफ में आज आपका समय थोड़ा सा मुश्किलों भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, स्पेशली गर्भवती महिलाओं को। लकी कलर रेड, नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज किसी भी प्रकार का हो लेकिन अपने ज्ञान में इजाफा करना है। इसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास रोजाना सुबह आते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, उनको भी ढंग से पढ़ लें, समझ लें, लाभ मिल जाएगा। व्यापार की जरूरतों को ध्यान में रखकर धन संचय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर आ रही समस्याओं का डटकर सामना करना होगा। एम्प्लॉयज को प्रभावी फैसले लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप सोच विचार के, सूझबूझ के साथ कर लेंगे। आपको जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाने होंगे। नए संबंध के चक्कर में पुराने संबंध से दूरियां बनाएं तो बेहतर होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं इसको कोई गलत तरीके से कह रहा हूं, लेकिन आपको इस पर समझना पड़ेगा। अध्ययनरत यानी जो पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट है उनको चुनौतियां मिलेगी और आज आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए अपने आने वाली पढ़ाई के लिए। स्वास्थ्य को लेकर पहले से बेटरमेंट है, लेकिन आंखों के चेकअप जरूर करवाएं। लकी कलर येलो, नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को आज अपने माता जी के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनके पैर दबाइए, बालों की मालिश कीजिए, उनके पुराने दिनों की याद दिलाइए, अच्छी बातें कीजिए। आप ये याद दिलाइएगा, आपने हमें बहुत आशीर्वाद दिया था जिससे हम एक बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा और उनकी तकलीफ पीड़ा को कम करने में आज आप एक अच्छी ब्लेसिंग भी ले पाएंगे। बिजनेस वर्ल्ड के किसी भी पेपर पर आपकी कंपनी का नाम आना, अखबार में नाम आना, सोशल मीडिया पर नाम आना या फिर लोगों के दिल और दिमाग में आपके प्रोडक्ट के प्रति विचार विमर्श करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा अपने काम को जरूर फैलाएं। वर्क प्लेस पर कार्य का वर्कलोड थोड़ा सा कम हो सकता है,
यानी प्रोडक्टिव काम आप करेंगे। आप आज थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से डील करें, मजा आएगा। एम्प्लॉयज को कार्य की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा प्रोफेशनली। मैरिटल लाइफ में मधुर संबंध बनाने के लिए, रोमांटिक लाइफ बनाने के लिए आज एक सरप्राइज गिफ्ट अपनी पत्नी या पति को देना चाहिए। लव लाइफ में आज आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात होगी। मित्रों से अध्ययन में शुभ समाचार भी मिलेंगे। अपनों का जो विरोध है वो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसलिए अपनों को विरोधी मत बनने दीजिए, गले लगाइए। लकी कलर ऑरेंज, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। धनु राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि यस, हम पराक्रमी हैं, हम किसी से कम नहीं हैं, हम करके दिखा सकते हैं और करके दिखाएंगे। ये जज्बा और जुनून आपको लाना होगा। बिजनेस में विरोधियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है, लेकिन आप नए काम आज हाथ में न लें, जो लिए हुए काम है उसे पूरे करिए। एम्प्लॉयज कार्य को लेकर थोड़े से सजग रहेंगे और आपका जो रवैया है वो अच्छा रहना चाहिए। वहीं मैरिटल लाइफ में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाना जरूरी है, शक हल्का सा आ रहा है, भगाइए उसे। प्रेम संबंध में नाइट लाइफ, नाइट पार्टी, क्लब में जाना, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डांस, ये सब के अवसर आज आपको मिल सकते हैं। नए कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को आज एक शक्ति मिलेगी और मंजिल मिलेगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। कमर का हल्का सा दर्द जिनको है उनके लिए आज परेशानी रहेगी। लकी कलर पिंक, नंबर 6 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी मैक्सिमम टाइम आपकी फैमिली में कोई तकलीफ है, आप क्या उसे दूर कर सकते हैं, क्या आपकी वाकई में उनको जरूरत है या उनकी तकलीफ को आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर विचार करिए। व्यापार में कुछ नया करने के लिए आज आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए और सोशल मीडिया पर थोड़ा रिसर्च करिए, आपको लाभ मिलेगा। वर्क प्लेस पर यात्राएं कठिन होगी, आज आपको कोशिश करनी चाहिए, यात्रा जरूरी नहीं हो तो न करनी चाहिए। उच्च अधिकारियों के अंदर परिवर्तन का भाव देखकर एम्प्लॉयज को आश्चर्य होगा। आध्यात्मिक चिंतन की ओर से झुकाव थोड़ा बढ़ेगा। प्रेम संबंध से किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए आपको, बल्कि आपको उनकी उम्मीद के ऊपर खरा उतरना चाहिए। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां रहेगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपने जो टाइम टेबल बना रखा है, जो योजना बना रखी है, वो अच्छी चल रही है, लाभ मिलेगा। लकी कलर रेड, नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को अपने स्वभाव को और बेहतर करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। आप सोचिए कहीं आप इरिटेट जल्दी तो नहीं होते हैं, गलत जुबान तो नहीं हो रही है, कुछ ऐसी चीज हो रही है तो उस पर विचार करिए, उसे और बेहतर बनाइए। बिजनेस में पूर्ववत किए गए कार्य और इन्वेस्टमेंट के द्वार खुलेंगे और लाभ और प्रॉफिट मिलेगा। वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर रहेगा और कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो आधी जंग वैसे भी जीत जाता है इंसान। एम्प्लॉयज को सीनियर से कई सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, आज आपको 2 बार ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जो बड़ा लाभ दे सकते हैं और आप सफल होंगे, यही मानकर आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, परिवारजनों और किसी और व्यक्ति विशेष की वजह से थोड़ा सा दबाव आप पर रहेगा किसी विशेष काम को करने के लिए, सोच समझ के आगे बढ़ें। लव लाइफ में नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करने की सलाह दूंगा और विद कॉन्सेंट्रेशन। आज इंटेंस टाइम में कोई तकलीफ हो सकती है, यानी आंतों में तकलीफ। लकी कलर ब्लू, नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को आज अपने खर्चों को कंट्रोल करने की तरफ एक विशेष विचार करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है क्या फालतू के खर्च कर रहे हैं, फालतू की चीज़ें खरीद रहे हैं? व्यापार में विरोधी आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सचेत रहने की आपको हिदायत दी जाती है। जॉब में आपको प्रमोशन मिलना या ट्रांसफर होना या बेहतर आपकी सैलरी बढ़ जाने की वजह से लोग तो आपसे जलन रखेंगे, लेकिन आपको जरूर खुश होना चाहिए। एम्प्लॉयज आने वाली अपनी चुनावी ड्यूटी या ऑलरेडी जो चुनावी ड्यूटी मिल चुकी है उसे थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन क्या करें, ये एक जॉब है जिसमें सारे काम करने चाहिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप इस चुनावी ड्यूटी को सही ढंग से निभाएं। कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन गैप के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी सी बहस हो सकती है। आत्मविश्वास में कमी के कारण स्टूडेंट को अध्ययन में समस्या आएगी। नाक, कान, गले की तकलीफ परेशान कर सकती है। लकी कलर व्हाइट, नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। अब राशिफल के बाद आज वो खास उपाय आपको बता रहा हूं जो आज के दिन, बुधवार के दिन आपको लाभ दे सकता है। विशेष कार्य के अगर काम करने जा रहे हैं तो सफलता दे सकता है। इसके लिए आप बुधवार को भगवान श्री गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक करें और उसमें थोड़ा सा केसर जरूर मिला लें। अदरवाइज केसर मिले हुए दूध से आपको अभिषेक करते हुए श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। पाठ कंप्लीट होने के बाद गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान करवाकर यथास्थान विराजमान करें, केसर का तिलक करें, दूर्वा और लाल पुष्प और मोदक अर्पित करके
दिन की शुरुआत करिए। जो निर्माल्य जड़ है, जल है, उससे थोड़ा घर में छिड़क कर पेड़ पौधे में डाल दीजिए। विशेष काम की जो शुरुआत आज होगी वो लाभदायक होगी। सुख सौभाग्य सूत्र में आज जानते हैं कि घर में झाड़ू कहाँ नहीं रखना चाहिए। शयन कक्ष, जहां पर भी आप सोते हैं। अब कोई आफ्टरनून में लॉबी में सोता है, किचन में सोता है, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन बेडरूम में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए, वो झगड़े का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब जैसा मैंने एक तारीख से शुरुआत की थी कि चार लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा, इसके बहुत सारे लोगों ने इसे हमें अच्छा भी समझा और मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं। प्रीति रावत, 25th of August 1993, आफ्टरनून 1:30, अल्मोड़ा। तबीयत हमेशा ख़राब रहती है, दवाइयों का भी असर नहीं होता है, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी, बहुत परेशान हूँ। पहली बात तो प्रीति जी, आपकी वृश्चिक लगन है और वृश्चिक राशि है, आपको शनि की 7:30 24 जनवरी 2020 तक रहेगी और ऑलरेडी राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष आपकी राशि में लगन में ही बना हुआ है। वहीं आपको आपकी कुंडली हेल्थ खराब होने के लिए एक आइडियल कुंडली है, क्योंकि 6th हाउस हमारे ज्योतिष में हेल्थ का होता है, इसके लॉर्ड मंगल बनते हैं, वो अपने से छठे घर में चले गए, ये एक षष्ठा तो षष्ठ बोलते हैं वीक पॉइंट है। आपको शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर कम है, मानसिक बीमारी ज़्यादा, जिस वजह से आपका शरीर ज़्यादा खराब होता है। कल सुबह उठें, सुबह जल्दी उठकर आप योग प्राणायाम एक्सरसाइज करें, गार्डन में जाएं, उससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और साथ में कोशिश करें कि 24 जनवरी 2020 तक आप शांति बनाए रखें। और चंद्रमा खराब है, चंद्रमा शिव की जटाओं में समाहित है, तो पारद शिवलिंग घर में रखें और उस पर रोग निवारक पूजा करिए। साथ में आपको ग्रहण दोष निवारक पूजा करवानी चाहिए और अमोघ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और इसका कवच भी विशेष गले में धारण करना चाहिए। आपको सिर्फ सुबह 2-2.5 घंटे अपने शरीर और मन पर देने हैं पार्क में जाकर, अच्छी ऑक्सीजन लीजिए, 3 महीने बाद आप मुझे भेजेंगे कि श्रीमाली जी मैं काफी हद तक ठीक हो चुकी हूं। यह है प्रतिभा, इन्होंने अपने बच्चे के बारे में पूछा है। 20 जनवरी 2004 आफ्टरनून 2:35 अमरावती, जो कि महाराष्ट्र में है। ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती है, उसका नाम नहीं बताया, ये कुंडली बेटे की है। MBBS करके मेडिकल के क्षेत्र में जा पाएगा या नहीं, और जाएगा तो सफल होगा या नहीं। पहली बात तो वृषभ लगन वैसे भी मेडिकल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि भाग्य और कर्म स्थान के लॉर्ड शनि बनते हैं। यहाँ पर आपके मंगल की चौथी दृष्टि शनि पर है और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पर है, तो ये तो मेडिकल के लिए ही पैदा हुआ, ये समझ लीजिए। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मेडिसिन, मेडिकल और टेक्नोलॉजी फील्ड में ही लाभ मिलेगा। एक डॉक्टर को टेक्नोलॉजी की जरूरत हमेशा पड़ती है, टेक्नोलॉजी वाले को मेडिकल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है, शनि की 7:30 चल रही है, इसलिए उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलेगा, हार्ड वर्क इसको करना होगा और वो भी 1st मार्च 2020 तक ज़्यादा करना पड़ेगा और फिर May 2021 तक। यानी अगर ये अपनी उम्मीद के अनुसार 100% मेहनत करता है तो दुनिया की कोई ताकत मेडिकल में सफल होने से नहीं रोक सकती है, मेडिकल में जाना तो तय है। इसके लिए आप एक काम करें, लगन में पाप कर्तरी दोष है, इसकी जरूर पूजा करवाएं और उसके बाद विद्यादात्री सरस्वती साधना करें और इसको खुद को बोले कि हनुमान जी और शनिदेव की प्रार्थना करें। मुझे पूरा यकीन है कि यह बच्चा डॉक्टर बनेगा और बहुत अच्छा इलाज भी करेगा। ध्रुव शर्मा, 26 नवंबर 2003 रात को 11:03 पलवल, इनका नाम ममता शर्मा है। ये अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं, ध्रुव के बारे में। इनका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, अभी कुछ दिन पहले नागालैंड राज्य के सिलेक्शन, नागालैंड राज्य में इनका सिलेक्शन हो गया है, अगले साल राज्य लेवल पर खेलने जाने वाला है, तो इसका भविष्य कैसा रहेगा। मैंने राहु रहस्यम एक सीरीज की थी जिसमें कहा था कि राहु खेलों में भी मचाए धमाल। आप में से जो लोग इस पर विचार करते हैं, विश्वास करते हैं, वो जरूर राहु रहस्यम मेरी यूट्यूब पर सीरीज है, जरूर देखें। आपके बेटे का कर्म स्थान में राहु विराजमान है, खिलाड़ी के लिए परफेक्ट कुंडली बनती है ये। और यहाँ पर मंगल जो ताकत देनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी के पास ताकत होनी बहुत ज़रूरी है, शतरंज में नहीं जरूरत है, दिमागी ताकत जरूरत है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल हेल्थ, मंगल 8th हाउस में एग्रेसिव देगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्य के इसको दशा चल रही है, सूर्य की तरह दोस्त चमकना चाहते हो तो उसकी तरह तपना भी सीखना पड़ेगा। तो आपका अप्रैल 2020 तक सूर्य की दशा परफेक्ट है और चंद्रमा की दशा उसके बाद आ जाएगी लग्नेश की दशा। निश्चित रूप से अगले 10 साल 2020 के बाद शानदार गुजरेंगे। और एक चीज का ख्याल रखिएगा कि आपकी धनु राशि और शनि की 7:30 चल रही है, इस वजह से कुछ चीजें 3 दिन का काम 13 दिन में होना और बनती चीज बिगड़ना। इसलिए अपनी तरफ से किसी भी प्रकार के कर्म में कोई कमी मत रखना दोस्त, आपकी तरक्की तय है। और वहीं शनि की 7:30 और आपकी कुंडली में भी पाप कर्तरी दोष है, भाग्य और लाभ स्थान में, इसकी पूजा आप जरूर करवा लें तो लाभ मिलेगा।
देवेंद्र सिंह नेगी, इन्होंने आदित्य नेगी हैं और अपने पिता के बारे में पूछना चाहते हैं, जिनकी उम्र डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1962, रात को 11:03, कोट द्वारा। आमतौर पर पिता और माता अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, बच्चे बहुत कम ऐसे पाए गए हैं जो अपने माता पिता के बारे में पूछे, लेकिन ये पूछ रहे हैं, आप धन्य हैं। मेरे पिता की जॉब छूट चुकी है, 7 साल से खाली है, मेडिसिंस वाला बिजनेस की वो भी नहीं चला, आजकल कमीशन वाला काम कर रहे हैं, क्या इनको जॉब मिलेगी? पहली बात तो आप सबकी आज शनि की 7:30 ही चल रही है, धनुराशि, 4 में से 3 की तो धनुराशि और 1 की वृश्चिक, सबको 7:30 चल रही है। अब आप देखिए 7:30 शनि कितना परेशान करता है लोगों को, और शनि की 7:30 अभी चल रही है आपको तकरीबन 4.5 साल से, और 2009 से ही राहु की दशा चल रही जो बेकार दशा है। आपको मैं ये सलाह दूंगा कि आप नौकरी को छोड़ दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। 5 नवंबर 2019 को शनि की माफ करेगा धनुराशि में ही देवताओं के गुरु बृहस्पति आ जाएंगे, पहला प्लस पॉइंट रहेगा, और अगले साल 24 जनवरी 2020 में आपको शनि की 7:30 का सेकंड पार्ट जो कि सबसे ज़्यादा खराब था वो खत्म हो जाएगा। आपको रामरक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ में नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी, ये 3 पूजाएं आपको आप जहां पर भी रहते हैं उसके आसपास की जल स्थान में करें, त्र्यंबकेश्वर नासिक में करते हैं तो सबसे बढ़िया है। रसोई घर में शाम को तेल का दीपक आपकी पत्नी को बोले जल स्थान के पास जलाएं, तेल कौन सा होना चाहिए, दीपक कौन सा होना चाहिए, बाती कितनी होनी चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम आप करिए। और स्वर्णाकर्षण एक साधना होती है जॉब के लिए, वो आपको जरूर करनी, आज से शुरू कर देने चाहिए। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, और मैंने विशेष एपिसोड जो दिए उसे जरूर करें, लाभ मिलेगा। मैं आप सभी को ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। कल हमने सूर्य का जो उच्च राशि का परिवर्तन है उसका एपिसोड दिया है, नवरात्रि के एपिसोड आ चुके हैं। 6 तारीख को कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन कौन इसकी रेस में है, क्या उनको लाभ मिलेगा, इस पर एक विशेष एपिसोड में लेकर आ रहा हूं। आप इस एपिसोड को देखना नहीं भूलें, 6 तारीख की शाम को ही आएगा। आप सभी हमारी ग्रहों का खेल .co.in वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं, साथ में आप उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपका दिन शानदार गुजरे, आप जैसा चाहते वैसा दिन गुजरे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपनी जुबान को विराम देना चाहता हूं। प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। समस्या शब्द अगर बना है तो समाधान शब्द भी बना है। समस्या हो सकता आपके पास है लेकिन समाधान मेरे पास जरूर है। कई बार हम जॉब, बिजनेस, पारिवारिक जिंदगी, मैरिज हो या मैरिटल लाइफ हो या किसी प्रकार का कोई कंसर्न हो, उसके लिए हमें एक सलाह की जरूरत होती है, और निश्चित रूप से ज्योतिष और अध्यात्म में आपकी समस्याओं का समाधान छुपा है। मैं आ रहा हूं आपके शहर आपसे मिलने के लिए, तो अप्रैल महीने में मेरा जो स्केड्यूल है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसे आप नोट करें, और आप अगर इसके आसपास रहते हैं और इन शहरों में रहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। इसी कड़ी में 12 और 25 अप्रैल को मैं दिल्ली रहूंगा, 5 और 20 अप्रैल को मुंबई रहूंगा, 6 अप्रैल को मैं इंदौर मध्य प्रदेश रहूंगा, 7 अप्रैल को पणजी गोवा रहूंगा, 10 और 11 अप्रैल को मैं जोधपुर राजस्थान में रहूंगा, 13 और 14 अप्रैल को मैं कोलकाता रहूंगा, और 15 अप्रैल को गुवाहाटी आसाम में रहूंगा, 17 अप्रैल जयपुर रहूंगा, और 21 अप्रैल को मैं पुणे में रहूंगा। वहीं 26 अप्रैल मद्रास और हैदराबाद का मेरा टूर रहेगा, जिसमें 27 अप्रैल को बंगलुरु और 28 अप्रैल को मैं गुड़गांवा, जिसे हम गुरुग्राम के नाम से जानते हैं। इन शहरों में अगर आप रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, आप इसके लिए हमारे जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे आप सभी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे बल्कि
आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।